नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। गेम समझिए है और गेम समझिए में हम बिहार की राजनीति और खास करके बिहार की राजनीति में जो 24 घंटे 48 घंटे में घटनाएं होती हैं, जो बयान आते हैं, उसके आधार पर हम एक विश्लेषण लेकर के आते हैं जो तय करता है कि आने वाले बिहार और देश की राजनीति में क्या होने वाले हैं। आज भी हमारे पास एक ऐसा ही विषय है और इस विषय में सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कल पूरे दिन जो चर्चा चली कि नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, नीतीश कुमार दिल्ली में क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली में आखिर 5 साल 6 साल के बाद अटल जी को कैसे याद किए। हालांकि नीतीश कुमार अपने भाषण में, अपने बयानों में या मीडिया के सामने जब भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा जरूर करते हैं। वो कहते हैं कि अटल जी वाला अब सब कुछ नहीं रह गया, लेकिन अटल जी के बाद भी नीतीश कुमार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। हालांकि 2013 में जो कारण बताया था उन्होंने, उस कारण को नहीं भी खत्म होने के साथ साथ नीतीश कुमार फिर से उसी एनडीए के साथ गए और फिर 5 साल तक उन्होंने एनडीए के साथ बिहार में रूल किया। लेकिन इन सारी बातों को अगर एक किनारे रख दिया जाए तो आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। आपको हम अगर इतिहास के पन्नों की तरफ लेकर के जाएं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको जैसे ही मैं उस पन्ने को पलटूंगा आपको भी याद आ जाएगा। नीतीश कुमार जब भी जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन से अलग ही कुछ काम करते हैं, उस गठबंधन की प्रकृति, उसके आइडियोलॉजी से बिल्कुल भिन्न काम करके अपना प्रेशर बनाए रखते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए ऑप्शन दूसरा खुला हुआ है। और यही कारण है कि कम सीटें रहने के बावजूद, कमजोर होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। नीतीश कुमार इस तरह से तार को उलझाते हैं कि उसे सुलझाने में जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक नीतीश कुमार कोई दूसरा ही तार उलझा देंगे। आपको याद होगा कि 2015 में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाए तो इस बीच में 2014 में नई आई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ऐसे कई, चूंकि फुल बहुमत की सरकार थी, उसने कई ऐसे नियम लाए जिस नियम को लेकर के नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया था। सबसे पहले आपको बता दें हम कि इसमें 8 नवंबर 2016 को यानी 2 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी लाया, वही भारतीय जनता पार्टी जो काले धन की बात करती थी, चुनाव से पहले सबके अकाउंट में पैसा देने की बात करती थी, लेकिन अचानक से शाम में आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहते हैं कि आज से 1,000 और 500 के नोट टेंडर नहीं रहेंगे। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी और नीतीश कुमार जिस भारतीय जनता पार्टी और जिस नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा रखते हैं, 2013 में उन्हीं कारण छोड़ते हैं एनडीए, वही नीतीश कुमार उस नोटबंदी का समर्थन कर देते हैं। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि सरकार के 1 साल हुए थे, कंप्लीट 1 साल सरकार के हुए थे जब 2015 में सरकार बनी थी और उसी नवंबर में 2016 में नीतीश कुमार ने नोटबंदी का समर्थन किया ठीक 1 साल के बाद, तो ये बातें लालू प्रसाद को समझ में आने लगी कि आखिर नीतीश कुमार कर क्या रहे। तब तक 1 साल में बहुत सारे प्रेशर हुए, नीतीश कुमार को यह समझ में आने लगा कि उन्होंने जो फैसला लिया उस फैसला में अभी भी अपर हैंड जो है वो लालू प्रसाद के पास है, क्योंकि संख्या भी उनके पास ज्यादा थी। अब यहां से दूसरी कहानी शुरू हुई और नीतीश कुमार का प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुआ। इसके बाद 2019 में जब अलग तरह की बात हुई, सीए भी आया, उसका भी समर्थन किया। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने यह दर्शाने की कोशिश की कि वो अब पूरी तरह से लालू प्रसाद के दबाव में हैं और 2 साल के अंदर में उन्होंने उस दबाव से मुक्ति पा ली और महागठबंधन छोड़ करके एनडीए की तरफ शिफ्ट कर गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में जब 2017 में नीतीश कुमार गए तो उन्होंने फिर से कई प्रेशर पॉलिटिक्स किया और उस प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नतीजा था वहां जाकर के नीतीश कुमार नंबर 1 की पार्टी हो गए। यहां 2 नंबर की पार्टी थे क्योंकि लालू प्रसाद के पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास 80 सीटें थी, इनके पास मात्र 71 सीटें थी और यहां वो कॉम्प्लेक्स फील कर रहे थे कि मेरे होते हुए लालू प्रसाद इतने दिन सत्ता से उनको बाहर रखे 10 सालों तक, लेकिन फिर भी अधिक सीट लेकर के आए। यहां
शिफ्ट करने के बाद एनडीए में नीतीश कुमार बड़े भाई बन गए और भारतीय जनता पार्टी पर एहसान जताया कि आपको हमने सत्ता में लाया। ये नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स थी और यहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में 17-17-6 के फॉर्मूला पर भारतीय जनता पार्टी को रेडी कर लिया, लेकिन उसके बाद असल खेल शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तो बात मान ली, भारतीय जनता पार्टी ने मान ली, लेकिन दूसरी तरफ जब बातें शिफ्ट होने लगी तो कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आने लगी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक नया प्रेशर शुरू किया और उस प्रेशर पॉलिटिक्स में सारे दलों को मिलाकर के 11 सदस्यों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गए और जातीय जनगणना कराने की डिमांड रख दी। यहां से शुरू हो गया था कि नीतीश कुमार अब किस दिशा में जा रहे हैं। यह समझ में आने लगा था कि 2020 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को झटका दिया है, गच्चा दिया है, उसका बदला लेना शुरू कर चुके हैं। हुआ यही, 2 साल के अंदर में उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया, सरकार बदल दिया। अब ऐसे नीतीश कुमार पर भरोसा कैसे कीजिएगा? फिर आपको याद दिला रहे हैं कि 1 साल कंप्लीट हो चुका है महागठबंधन में नीतीश कुमार को, 9 तारीख को पूरा हो गया और 15 तारीख को अपने भाषण में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब यहां से दूसरी 15 तारीख को वो हुआ, 16 तारीख को सीधे आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धांजलि देकर के एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार चाहे जिससे भी मिल लें, लेकिन नीतीश कुमार ने एक हेतु दे दिया है लालू प्रसाद को सोचने के लिए। अब सीधी सी बात है कि लालू प्रसाद क्या इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, इस मामले पर रहेंगे? इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा और नीतीश कुमार को जब फैसला लेना होगा तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रहा है कि नीतीश कुमार पर अब लालू प्रसाद को भरोसा नहीं है। लालू प्रसाद का सब्र टूट रहा है और उनके सब्र टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि बार बार नीतीश कुमार जो चीजों को बदल रहे हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। आपको याद है कि किस तरह से पटना का जो बैठक हुआ इंडिया गठबंधन का, उसके बाद से फिर आपने देखा कि बेंगलोर में बैठक हुआ और इन दोनों बैठकों के बाद जो कुछ भी निकल करके सामने आया आप सभी जानते हैं। इन बैठकों के बाद नीतीश कुमार अब तीसरी बैठक की तैयारी में लगे हुए हैं, सारे लोग इस पूरे माहौल में रमे बसे हुए हैं और वहीं नीतीश कुमार की अलग तरह की एक स्ट्रेटजी चल रही है। इस बीच में कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें कहा यह जाने लगा कि लालू प्रसाद और कांग्रेस का एक अलग खेमा बन गया है, अभी गांव बसे नहीं कि चोर पहले ही से आकर के अपना डेरा डाल दिए हैं। यह हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत होती है। इस कहावत के तहत अगर देखें तो इंडिया गठबंधन अभी पूरी तरह से स्ट्रक्चर में नहीं आया है, एक्टिंग बॉडी नहीं बनी है, उससे पहले कई खेमे बन गए। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि वो 2 राज्यों में जिनकी सरकार है अरविंद केजरीवाल, उनके साथ अपनी दोस्ती गांठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने शरद पवार के साथ अपनी सांठगांठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो इधर लालू प्रसाद और कांग्रेस एक गुट का हिस्सा बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार पर जो भरोसा और सब्र समाप्त हो रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं क्या नीतीश कुमार दिल्ली से लौटेंगे तो लालू प्रसाद का एक बार फिर से प्रेशर होगा और नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। इस पूरी कहानी में एक बात साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार भले ही एक्ट कर रहे हों, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हों, लेकिन ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स में अक्सर बिखराव होता है, भरोसा कम होता है, सब्र टूटता है और लालू प्रसाद उस जगह पहुंच गए हैं जहां उनका सब्र टूटता हुआ नजर आ रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।